हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज पढ़ाई का मतलब केवल किताबें पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आज प्रैक्टिकल शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर स्कूल में अध्यापक विभिन्न प्रोजेक्ट्स और उपकरणों की मदद से छात्रों को विभिन्न टॉपिक्स और ख़ासतौर विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स को आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। छात्रों की प्रैक्टिकल स्किल्स में वृद्धि लाने के लिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से सीखने के लिए उत्साहित करते रहें, और इसका सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को छुट्टियों में किसी ऐसी जगह घुमाने ले जाना जहां मनोरंजन के साथ साथ उन्हें कुछ सीखने को भी मिले। तो आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसी ही स्थान पर जहां आपके बच्चों को भरपूर मनोरंजन के साथ साथ तकनीक और विज्ञान से जुड़ी बेहद रोचक जानकारियां जानने को मिलेंगी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेलो इंडिया में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, ये है दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल साइंस सेंटर। इसकी स्थापना 1992 यानी कि 1992 में की गई थी। इस 8 मंजिल वाले संग्रहालय में वर्किंग साइंस संबंधी प्रदर्शनी के साथ साथ स्थापत्य कला के इतिहास को भी प्रदर्शित किया गया है। विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र बेहद उपयुक्त जगह है। अपने बच्चों को वैज्ञानिक अनुभव देने के लिए यहाँ ज़रूर लाएं। यहाँ छात्रों, शिक्षकों और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों और दिलचस्प प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उपकरणों और तकनीकों की मदद से लोगों का मनोरंजन करते हुए उन्हें वैज्ञानिक तथ्य सिखाना है। इसके साथ ही नेशनल साइंस सेंटर के कुछ और भी मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि विज्ञान को हर उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना, देश में वैज्ञानिक साक्षरता को फैलाने का प्रयास करना, नवीन विचारों को पैदा करने के लिए बच्चों और युवाओं को उत्साहित करना, और देश की वैज्ञानिक एवं तकनीकी विरासत को संरक्षित करना। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन के माध्यम से सीखने के लिए विभिन्न गैलरी और हेरिटेज बने हुए हैं, जैसे कि डायनासोर गैलरी, मानव जीव विज्ञान गैलरी, फन साइंस लाइब्रेरी आदि। फिजिक्स के सिद्धांतों को समझाने के लिए अनेक हैंड्स ऑन डिस्प्ले भी बनाए गए हैं। तो आइए आपको यहाँ की कुछ मुख्य गैलरियों के विषय में बताते हैं। इसमें पहला नाम आता है अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज गैलरी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय इतिहास का 4500 वर्षों का लंबा इतिहास रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में मौजूद इस गैलरी में ये बताया गया है कि किस तरह से समय के साथ साथ कला और साहित्य को साथ लेकर चलते हुए भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी संस्कृति का विकास हुआ। इसके बाद दूसरा नाम आता है इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन गैलरी का। इस गैलरी में प्रदर्शनी के माध्यम से ये समझाया गया है कि भारत में पिछले 6000 वर्षों में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किस तरह से विकास हुआ। यहाँ एक शो दिखाया जाता है जिसके माध्यम से ये समझाया जाता है कि समय के साथ आगे बढ़ते हुए इतिहास में टेक्नोलॉजी और कल्चर के बीच किस तरह से संबंध विकसित हुआ है। तीसरा नाम आता है फन साइंस गैलरी का। साइंस को हमेशा एक भारी भरकम गंभीर विषय के तौर पर देखा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए या यूँ कहें कि इसे आसान बनाने के लिए इस गैलरी में मनोरंजक प्रदर्शनियों के माध्यम से दर्शकों को सीखने का मौका दिया जाता है। एक नई सुविधा 3D थिएटर को भी इस गैलरी में जोड़ा गया है। चौथा नाम आता है प्री हिस्टोरिक गैलरी का। ये गैलरी उस दुनिया को दर्शाती है जिसके बारे में हम सब ने सिर्फ पढ़ा है पर देखा नहीं। ये दुनिया लाखों साल पहले अस्तित्व में थी, जिसके कई जीव या प्रजातियां अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। विशालकाय बिच्छू, पक्षियों, विशाल डायनासोर और आइस एज के विभिन्न प्रजातियों को आर्टिफिशियल रूप से लाइट और साउंड इफेक्ट की मदद से यहां दिखाया जाता है। ये एक बेहद खूबसूरत एहसास होता है। और आखिरी नाम आता है ह्यूमन बायोलॉजी गैलरी का।
इस गैलरी में मानव शरीर के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। इसके अलावा कई अन्य प्रदर्शनियां जीवन में विज्ञान के योगदान को दर्शाते हुए दर्शकों का मनोरंजन करती हैं। नेशनल साइंस सेंटर हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मई जून के महीने में स्कूली विद्यार्थियों के लिए समर हॉबी कैंपस का आयोजन करता है। इस कैंप में कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्र रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर किया जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म और आवश्यक शुल्क सेंटर में जमा करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखते रहें हेलो इंडिया।